निराकार साकार जगत में। निराकार, निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं होता, उस भगवान का, उस परमपिता परमात्मा का कोई आकार नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है, कोई शान शकल नहीं है, लेकिन हर कण कण में उसकी मौजूदगी होती है। सुनिए, ओ निराकार साकार जगत में, करतार करणिया तू से, निराकार साकार जगत में करतार करणिया तू से, ए रईन भगता के बेड़े नैश्वरी, ओ दिखे पार करणिया तू से। तो समुद्र मंथन में 14 रतन निकल कर आए थे, जिसमें शराब भी एक रतन था, लेकिन ये उस भगवान के हाथ में बात थी कि कौन सा रतन देवताओं को देना है और कौन सा रतन राक्षसों को देना है, ये उस भगवान के अधीन बात थी। सुनिए नंबर दो में कवि ने क्या बताया। ये चौदह रतन समुद्र मत के छाटन वाले तुम हो, अमृत प्रभु पाटन वाले तुम हो, तेरा कपट देख राहु के सर ने काटन वाले तुम हो, बलि राजा ते सुरग देन तरना टन वाले तुम हो, वो बलि राजा ना जीत सक्या, बलि राजा ना जीत सक्या, इसी हार करनिया तू से, तेरे भगता के
नंबर तीन में बताया किन किन भक्तों ने उस भगवान का ध्यान लगाया, और भक्तों ने जब ध्यान लगाया तो भगवान ने उनकी नैया को कैसे पार उतारा है। सुनिए नंबर तीन में क्या बताया। गुरु भगत पहलाद भरथरी, गुरु भगत पहलाद भरथरी, और गोपी चंद से तारे पैनाम देव रैदास कबीरा, सैन भगत तेरे सारे, पूरण मल से जती सदन नरसी हुए भगत तुम्हारे सारे, मैं जग जोत तेरी गिरधर मीरा के प्यारे, धन्ना जाट ने काकर बोई, धन्ना जाट ने काकर बोई, पर ज्वार करनिया तू से तेरे भगता के मेरे नहीं स्वर, पार करनिया तू से तेरा घर साकार, ओ भजन पर खुश होकर 100 रुपए आदरणीय सुनील कुमार जी, जो हमारे कार्यक्रम के बड़े शौकीन हैं रागनी भजन सुनने के, सुनील कुमार जी जो सेड़न जिला महेंद्रगढ़ से चलकर आए हैं, 100 रुपए से हमारी छोटी सी टीम को सम्मानित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए सुनिए नंबर चार में क्या बता दिया, बहुत अच्छे। जगती पहित सृष्टि उपरागिन गायत्री छंद तुम हो अलट ब्रह्म अनंतम छंद में सचित आनंद तुम हो, और पाले स्वामी शंकर दास नथु मंगल चंद तुम हो, धर्म देवी के प्राण नाथ के रटनी बंद तुम हो, गुरु चंद्र लाल का राम नाम, गुरु चंद्र लाल का राम नाम,